निकल गए हैं, अभी टाइम हो गया है 2:46 एयरपोर्ट जाएंगे। तो बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहे हैं, भैया हैं और भैया लोग भी हैं सभी। दिल्ली आना होता है एकदम अपना समय बहुत कीमती समय निकाल के समय देते हैं। बात करूंगा मैं तो 50 हो गया है और हम लोग शाम के 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए हैं। सभी सारी चीज़ें ले ली हैं हम लोगों ने और बस हम मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो ये कुछ ही घंटे हैं मेरे दिल्ली। मौसम अच्छा है, ठंडी भी कम हो गई ना अभी। और कल जिस तरह से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। वाह, ये गाड़ी, ये गाड़ी देखो आप, गाड़ी अब एनएसजी कमांडो की मिली ना। हाँ, ये अभी आई एनएक्सी कमांडो को मिली है। तो मैं अभी आ गए हम लोग बंगला साहेब गुरुद्वारा और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। बंगला साहेब गुरुद्वारा है, यहाँ मत्था टेकने आए हैं। आज संडे है तो बहुत भीड़ है और हम लोग जल्दी से यहाँ से जाएंगे मत्था टेक के। बस निकलने वाले हैं तो हम लोग जा रहे हैं सबसे। तो हम लोग बस जाने वाले हैं यहाँ से, हम लोग अंदर होके आ गए हैं और हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट टर्मिनल। बीच रोड पे गाड़ी रोक है। ये मेरी क्रिसमस सबके लिए।
भाई ये वो टावर है जिसमें वो चढ़ के बोलता था कि आप कितने आपका आपके आप कितने पायलट हैं, है ना। हाँ लेफ्ट साइड चलेंगे। फ्री में जाना ना, पक्का ना फ्री में जाना। टर्मिनल 3 लोग पहुंच गए एयरपोर्ट टर्मिनल 3। अभी हम लोग पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट और अभी हम लोग बाहर हैं और पार्किंग के पास। इसके बाद हम थोड़ी देर में अंदर जाने वाले हैं बोर्डिंग पास के लिए, तो अभी हम लोग बाहर हैं, अभी वेट करेंगे क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी। हम लोग करीब एक घंटे अभी यहाँ बाहर रहेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे। तो हम लोग अभी अंदर आ गए हैं और अभी हम लोग तो हम लोग यहाँ पे पता कर रहे हैं कहाँ पर होता है, उसके बाद हम लोग बोर्डिंग पास के लिए जाएंगे। फिलहाल अभी तो नहीं जाएंगे लेकिन क्योंकि अभी भैया लोग गए पूछने, तो अभी तो टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, 4:30 5:30 के आसपास है। हम लोग 6:30 पे अंदर हो जाऊँगा, तो अभी मैं बाहर हूँ।